केंद्र सरकार के बातचीत के प्रस्ताव पर किसान संगठन नाराज। अलीपुर में कई प्रदर्शनकारियों पर FIR। निवार के बाद तमिलनाडु में आ सकता है एक और तूफान। जारी रहेगा उद्योग को वित्तीय मदद का सिलसिला, कई और सेक्टर को मिल सकता है इंसेंटिव। कश्मीर में आतंकवाद पर भारी पड़ रहा है मतदान को लेकर लोगों का उत्साह। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज के शॉट पर लग सकता है प्रतिबंध, पूर्व कप्तान की ICC से मांग। फिल्म शोले से जुड़े पहले सवाल पर ही रुचिका ने ली लाइफलाइन। देश में लगातार दूसरे दिन आए 40,000 से कम मामले, रिकवरी दर करीब 94%। टाटा मोटर्स खास पैकेजिंग में ग्राहक को डिलीवरी करेगी कार। भारत का बढ़ा मान, जो बाइडेन की टीम का हिस्सा बने वर्गीज। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स निफ्टी में बढ़त। फिरोजाबाद में 52 बूथों पर MLC चुनाव का हो रहा है मतदान। आज शिवसेना में शामिल हो सकती हैं उर्मिला मातोंडकर, 5 महीने में छोड़ा था कांग्रेस का दामन। ULCCS के ठिकाने पर ED की छापेमारी, चेयरमैन ने बताया गलत। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी, ओवैसी ने डाला वोट। हैदराबाद के आखिरी निजाम के पोते ने कहा, नेता नहीं बदल सकते गंगा जमुनी तहजीब। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस। भारतीय वैज्ञानिक ने चीन के दावे को किया खारिज, कहा दुनिया जानती है कहां से आया कोरोना वायरस। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को दहेज हत्या के आरोप से किया बरी, SC ने सुनाई थी 10 साल की सजा। शीतल आमटे सुसाइड मामले में जांच के लिए नागपुर से बुलाई गई स्पेशल टीम। 71 साल में सबसे ठंडा रहा नवंबर, पिछले साल दिसंबर में टूटा था 119 साल का रिकॉर्ड। आज होगी सरकार और किसान नेताओं में बात, कृषि मंत्री ने दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में किया आमंत्रित। शिवसेना नेता ने महाआरती की तुलना अजान से की, बड़ा विवाद, भाजपा ने जताई हैरानी, समर्थन में राकंपा। शिवराज बोले, प्रेम की आड़ में नहीं चलेगी धर्मांतरण, किसान के लिए सहायता राशि देने का किया ऐलान। मिथुन चक्रवर्ती की बहू ने ब्लैक गाउन में इंटरनेट पर लगाई आग, तस्वीर हो रही है वायरल। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, CM शिवराज और सिंधिया एक साथ दिल्ली रवाना।